पीलीभीत जनपद के पूरनपुर में स्थित साईं श्रद्धा विंगेट हॉल में आज बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ। यहां प्रदेश प्रभारी भाजपा अनूप गुप्ता का आगमन प्रमुख रूप से रहा। अनूप गुप्ता ने यहां बीजेपी की आगामी चुनाव योजना पर चर्चा की, साथ ही सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी। यहां नेताओं ने जमकर सरकार की तारीफों के पुल बांधे। चुनाव अभियान में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आमंत्रित करके उसके सामने अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कार्य है, जो लेखा जोखा है, वो आज हमने रखा है। और प्रबुद्ध वर्ग के माध्यम से ये अपेक्षा की है कि जनता जनार्दन के बीच में उनकी आवाज़ जाए, जनता जनार्दन को उस दिशा और दशा देने का काम, मार्गदर्शन करने का काम प्रबुद्ध वर्ग करे कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनाव में जो जोड़ी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम कर रही है, मोदी और योगी की जोड़ी, वह मोदी और योगी की जोड़ी आगे भी पूरी तन्मयता से काम करती रहे, इसके लिए लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद उनका मिले, इसके लिए आज वहां पर हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया। मंत्री जी, आपका भी कार्यक्रम चल रहा था, जैसा कि बाहर लोग किसान के लोग थे, उनका गुस्सा था, काले झंडे का प्रदर्शन कर रहे थे बाहर, बैंकट हॉल के बाहर। हमें नहीं दिखाई दिया, आपने कैसे देख लिया? उनको हम लोग खाना देते थे लगातार, हमने बात करते नहीं, हम लोग रसोई घर का काम किया, प्रतिदिन 2000 को हमने खाना बांटा, जिसमें हमने उसमें सहयोग लिया राइस मिलों से। और यहाँ पर जितने लोग जो थे शराबे के और व्यापारियों से, उनने भी सहयोग किया, यहाँ लगातार रसोई चली। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज सबसे पहला जो यहाँ पर कोरोना का अस्पताल बना है मानव टंडन में, जहाँ गैस प्लांट लगा हुआ है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ। अभी आप कहते हैं पुरपुर में 50 सहयोगों का अस्पताल बड़ा सशक्त कन्याओं के अंदर देने का काम हमने किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कितनी सीएससी का निर्माण किया, आईटीआई विभाग का काम किया है, आज यहाँ पर बसड्डा रोड में देने का काम किया है, बड़ी योजनाओं का काम मैं गिनाऊं घंटों लग जाएंगे, सड़कें पूरी लिस्ट है, यदि आपको हमें ये सड़क लंबी गिनाए तो बहुत बड़ा कार्य है। तो मैं कहना चाहता हूँ जो कार्य विगत 70 वर्षों में नहीं पूरा हुआ, वो 5-4.5 साल में पूरा हुआ। आप देख लें पिछली पंचवर्षियों में आप जाए ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में जितना पैसा लगा उतना पैसा केवल हमारी एक योजना है जो शौचालय, उस शौचालय का पैसा इकट्ठा किया जाए, तो पिछले विगत सपा बसपा की सरकारों में उतना पैसा नहीं लगा हुआ, केवल शौचालय में उतना पैसा गया है। जितनी रोडें प्रधानों के कार्यकाल में 4.5 साल में इंटरलॉकिंग और जो सुविधाएं गाँवों में गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अनूप गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आए बदलाव को सभी ने महसूस किया, प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करने का काम किया, उनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति जब्त करने का काम योगी सरकार ने किया। विधायक बाबूराम पासवान ने कहा है कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उपस्थित प्रबुद्ध जन हमेशा समाज का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों की सोच होती है कि देश कैसे विकास करे, ऐसे लोगों को साथ लेकर भाजपा चलती है। कहा कि आप सभी प्रबुद्ध जनों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का विकास करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जिला अध्यक्ष संजय प्रताप सिंह, लेखराज भारती, अशोक राजा, प्रफुल्ल मिश्रा, स्वामी प्रवक्तनंद, जिला पंचायत अध्यक्ष गुरुभाग सिंह, विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान आदि कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे।